नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डायगोनल मेथड लेकर आया। डायगोनल मेथड दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई संख्या रख ली 25 × 36 रख लिया, इसका क्या आंसर होगा हमें पता करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ये दो संख्या यहाँ रख लिया, ये दो मान लिया हमने भाई, इन दोनों के पास इतनी ज़मीन थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो इन्होंने अपने हिस्से बांट लिए। अब ऐसे ही इनकी दो जमीन बढ़ गई, ठीक है। अब इसके बाद अब ये जो ये है इन्हें दो भाई मान लो, अब ये दो भाई हैं, इनके बीच में लड़ाई हो गई तो इनके बीच में ज़मीन कट गई, ठीक है। तो ये इन दोनों की ज़मीन और ये इन दोनों की यहाँ पर है। अब इनके बीच में और टुकड़े हो गए, इन्होंने और बांट लिया, ठीक है। और बांटने के बाद इन्होंने क्या करा, अब हम इसमें आसानी से कर सकते हैं जो करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 0, जैसे ये संख्या में 30 आया तो इधर वाली संख्या इस तरफ रखनी है और इधर वाली नीचे रखनी है, ठीक है। 2 × 3 = 6, यहाँ 0 है क्योंकि हम जानते हैं 0 6, तो ऐसे करेंगे तो 0 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। अगर हमने 6 यहाँ रख दिया तो 60 हो जाएगा और 0 यहाँ रख तो 60 बन जाएगा, ठीक है। 2 × 6 = 12, 12 का 1 और 2। अब क्या करेंगे, इस कॉलम की इसकी इस ट्राइंगल की डिवाइड प्लस करके यहीं रख देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस कर दो, 5 × 3 = 8 और 2 × 10 = 0, कैरी 1, 6 × 1 = 7 और 1 = 8 और कैरी 9, 0 का 0, यानी कितना आंसर आया इसका, 900 आंसर आया, ठीक है ना। 900 आंसर आने के बाद हम ऐसे ही ऐसा कर सकते हैं। एक और बताऊँ, ये दो संख्या हैं, ये हमने दो भाई मान लिए इन दोनों को, बीच में ज़मीन कट गई, ठीक है। अब जो है ऐसे ही से मान लिया, इनके बीच में ज़मीन कट गई, डायगोनल ये हमने खींच लिए। अब आपको पता चल गया होगा डायगोनल मेथड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इनके बीच में डायगोनल खींचते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ करेंगे इसकी इससे करेंगे, यहाँ रख देंगे इसकी इससे करेंगे, यहाँ इसकी इससे करेंगे, यहाँ, ठीक है ना। और ये जो संख्या है इधर वाले इस तरफ रखते हैं, इस हिस्से में, ये वाले इसमें, ये जो है ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, ठीक है। ऐसा रखने के बाद जो आंसर आया वो मैं यहाँ रख देना है, समझ में आई, ठीक है। रफ कर दूँ, अब ऐसे हम यहाँ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 25 × 25, इसका स्क्वायर हम जानते हैं 6 तो 25 होता है। अगर हम इसे निकालें, 2 5, दो भाई हैं बीच में, ये खींच गया, ठीक है, ये जो है इनकी ज़मीन कट गई। फिर ऐसे यहाँ रख लेंगे, 2 5, इनके बीच में प्लॉटिंग कट गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 × 2 = 10 आएगा, ये कर लो 1 0, 2 × 2 = 4, यहाँ 0 यहाँ, ठीक है ना, पता है ना, 0। 2 5 × 5 = 25, 25 2 5 = 10, 1 0। अब क्या करेंगे, इधर वाले हिस्सों को प्लस कर देंगे, 5 का 5, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 तो 2 ही आएगा, 4 में 1 5 और 1 6, यहाँ 0 है उसकी ज़रूरत नहीं है। कितना आंसर आया, 625, यही हमारा आंसर था, ठीक है। यही है डायगोनल मेथड और कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस यही करते हैं। अगर हम ये तीन संख्या रखेंगे तो 3 भाई बन जाएंगे, ठीक है ना, वैसे ही होएगा। या मैं अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दो, मैं बता दूँगा, ठीक है, धन्यवाद।